नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉक में। मेरा नाम उदित तारण है। देखिए, बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहा। जदयू दफ्तर में बड़ी बैठक आयोजित की गई, हालांकि ललन सिंह नहीं पहुंचे, नाराजगी थी उनकी। बावजूद इसके पार्टी ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला और सबसे बड़ा बीजेपी को जो एक नोटिस जारी किया गया है कि इस मुगालते में आप मत रहिएगा, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या दिलीप जायसवाल, कि बिहार में नीतीश कुमार के अलावा कोई और ऑप्शन, कोई और विकल्प मौजूद है। ये बातें बीजेपी को स्पष्ट तरीके से आज बता दिया गया है जदयू के नेताओं ने। नीतीश कुमार ही 2025 विधानसभा चुनाव में बतौर सीएम प्रत्याशी, बतौर सीएम कैंडिडेट रहेंगे, इस पर आज मुहर लगा है। इसके अलावा एक और बड़ी घटना हुई, एक और बड़ा फैसला लिया गया पार्टी की तरफ से कि एनडीए का जो मिशन है 2025 का, उसमें 220 प्लस सीट, 225 सीटों का एक एजेंडा फिक्स किया गया है कि एनडीए को 225 सीटें कम से कम 2025 के विधानसभा चुनाव में आनी चाहिए। और जदयू की अगर बात करें स्पेसिफिक तौर पर, तो जनता दल यूनाइटेड को 100 प्लस सीटों का एक मिशन तय किया गया है। मतलब 100 से अधिक, ये नारा पहले भी लगाया जा रहा था कि अब की बार 100 के पार की बात जेडीयू के नेता बार बार कह रहे थे, और उसको अब प्रस्ताव पारित कराकर बजाते जेडीयू ने धरातल पर लाया है। और बीजेपी को यह साफ कर दिया है कि किसी भी स्थिति में सीट शेयरिंग का जो मसला होगा, सीट बंटवारे का जो मसला होगा, उस पर हम किसी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी चुनौती अब बीजेपी के सामने आएगी, क्योंकि सीट शेयरिंग का जो मसला है वहीं पर पेच फंसेगा 2025 के विधानसभा चुनाव में। देखिए, सीट शेयरिंग का मसला इसलिए फंसेगा, जदयू जो एक अपना प्लान में चल रहा है, जदयू जिसकी एक अपनी प्लानिंग है कि कम से कम 120-125 सीटों पर चुनाव लड़कर 100 प्लस सीट ले आना है, और जो अन्य सीट बचेंगे, 125 सीट बचेगा, उसमें बीजेपी अपने अन्य सहयोगी दल के साथ सेटल करे। अब अन्य सहयोगी दल में चिराग पासवान भी है, जिनकी अपनी मांग है, जीतन राम मांझी का एक अपना मांग है, उपेंद्र कुशवाहा को इसमें एडजस्ट करना है, और अगर समय सही रहा तो हो सकता है कि मुकेश सहनी भी एनडीए का हिस्सा बनेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में एक बहुत बड़ा संकट जो है वो बीजेपी के सामने खड़ा होने जा रहा है। मतलब एक साफ लकीर जो है वो नीतीश कुमार ने खींच दिया है, नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि स्थिति चाहे जो भी हो, होगा वही बिहार एनडीए में जो हम चाहेंगे। और नीतीश कुमार चाहते हैं कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें सीएम के तौर पर भी नीतीश रहेंगे, और सीट भी वही जेडीयू को मिलेगा जो नीतीश कुमार चाहते हैं। तो अब बीजेपी को इस पर मंथन करना होगा, इस पर विचार करना होगा, क्योंकि स्थितियां जो है वो धीरे धीरे अब नीतीश कुमार अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, और बीजेपी चाहे कुछ भी कह रहे थे। बीजेपी का प्रपोजल था एक तिहाई सीट बांटना, एक तिहाई सीट मतलब इक्यासी सीटों पर जेडीयू, इक्यासी सीटों पर बीजेपी, और उतनी ही सीटों पर जो अन्य घटक दल है उनको बांटना था। लेकिन इस पूरे प्लान को फ्लॉप कर दिया गया आज जब जदयू की बैठक हुई है और उसमें ये अहम फैसला लिया गया है। इस पर जो अपडेट होगा आपको हम जरूर साझा करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया।